आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्लैट राउंड कॉलर फॉर एक्सरसाइज। मेरे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं स्मॉल साइज और मीडियम साइज के लिए, ये एक्सेल साइज के लिए है। अब यहाँ पे विड्थ मैं रख रही हूँ 3.5 पे मार्क करके उसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और लेंथ हमें लेनी है 7 इंचेस तक। यहाँ से सेम 3.5 पे मार्क करना है और एक बॉक्स लेना है। इस तरीके से ये जो लेंथ है हमारी 7 इंचेस, ये है हमारा 3.5 इंचेस का और ये 1/4 इंचेस तक। अब यहाँ से हमें मार्क करना है 3 3/4 पे हम मार्क करेंगे बैक का और एक यहाँ पे मार्क करेंगे 1 1/4 इंच पे। इस तरीके से यहाँ से हम पहले इस कर्व की हेल्प से इसको मिला लेंगे इस तरह से और यहाँ से ये शेप लेना है इस तरह से राउंड का। अब यहाँ से आउटसाइड में हमें 1 इंच रखना है कॉलर के लिए पूरे में। आप किसी भी साइज का राउंड कॉलर बना सकते हैं। मैंने अपने वीडियोस में अलग अलग साइज़ बताए हैं और इस डॉट को इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा राउंड कॉलर रेडी है। अब यहाँ से हम शेप दे देंगे इस तरह से और इसकी अब कटिंग करेंगे। एक बार पहले ऑल पिन से हम फिट कर देंगे। ये हमारा एक्सेल साइज़ का राउंड कॉलर रेडी है। इस तरह से ये पूरा कॉलर रेडी है हमारा। अब मैं आपको अलग अलग साइजेस के हिसाब से मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये अलग अलग साइजेस के राउंड कॉलर की मैंने मेज़रमेंट आपको बताई है, जिसमें ये स्मॉल साइज़ के लिए हमने विड्थ ली है 2.5 और जिसमें हमें 1/4 इंच ऐड करना है, जिसमें लेंथ रखनी है हमें 6 इंच की। मीडियम और लार्ज साइज़ के लिए मैंने ये मेज़रमेंट लिखी है। अगर आपको लूज कॉलर चाहिए तो आप 3 3/4 इंच रख सकते हैं, जिसमें लेंथ हमें लेनी है 6.5। एक्सेल के लिए ली है मैंने 3.5 और जिसमें लेंथ ली है मैंने 7 इंचेस, और डबल एक्सेल में 3 3/4 ली है मैंने विड्थ और लेंथ ली है मैंने 7.5।
इस हिसाब से आप साइजेस में आप यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे क्वार्टर इंच ऐड करके अपनी साइज के हिसाब से कॉलर बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।